फ्रेंड्स, कोटक महिंद्रा बैंक की ओर से दूसरे क्वार्टर के रिजल्ट डेट का अनाउंसमेंट हो चुका है। और अब फ्रेंड्स, हमें यहाँ पर बहुत ही चौकन्ना हो जाना चाहिए प्रॉफिट कमाने के लिए, क्योंकि फ्रेंड्स आप देख रहे होंगे HDFC बैंक, कोटक महिंद्रा बैंक, ये सभी शेयर अब अपने ऑल टाइम हाई के आसपास क्लोज होने लगे। तो इसका रीज़न मैं आपको बताना चाहूँगा। तो फ्रेंड्स, पिछले 1-1.5 साल से कोरोना वायरस की वजह से कोई भी बैंक अग्रेसिवली लोन नहीं बांट पा रहा था, तो इसी वजह से हमें यहाँ पर ओवरऑल बैंकिंग स्टॉक में बहुत ही खास रैली देखने को नहीं मिली। मगर अब क्या हो रहा है फ्रेंड्स कि बैंकों ने वापस लोन बांटना शुरू कर दिया। तो जैसे जैसे वो लोन बांटते जाएंगे, वैसे वैसे उसको प्रॉफिट ज़्यादा होता जाएगा और वैसे वैसे शेयर भी बढ़ते जाएंगे। तो जैसे हमने पिछले दिनों में IT स्टॉक में शेयर तेजी देखी, वैसी ही तेजी अब हमें यहाँ पर प्राइवेट बैंकिंग स्टॉक में देखने को मिलने वाले, ऐसा मेरा क्लियरली मानना है। और यहाँ पर मेरा तो ये भी मानना है कि लॉन्ग टर्म में अगर हम देखें तो बैंकिंग स्टॉक यहाँ से बहुत ही बड़े रिटर्न दे सकते हैं। तो जो भी लोग बैंक शेयर पसंद करते हैं उसको कोटक महिंद्रा बैंक, HDFC बैंक, IDFC फर्स्ट बैंक, ऐसे प्राइवेट बैंक के स्टॉक अब बाय करके बैठ जाना चाहिए। तो ओवरऑल फ्रेंड्स, 26 अक्टूबर को कोटक महिंद्रा बैंक अपने दूसरे क्वार्टर के रिजल्ट पेश करने वाले, तो देखते हैं इस बार कोटक महिंद्रा बैंक के रिजल्ट कैसे आते हैं। क्योंकि अब सभी बैंकों के मैनेजमेंट ने ऐसा कहा कि यहाँ से अब हमारे बिजनेस में बहुत ही सुधार देखने को मिलने वाला है, क्योंकि बैंकों ने ऐसा कहा कि हमारा NPA घटेगा और लोन में ग्रोथ देखने को मिलेगी।